नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेल से जुड़ी एक बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूँ जो यात्रियों के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही जो एजेंट नए नए बने हैं या तो फिर भारतीय रेल के एजेंट बनना चाहते हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ी तगड़ी जानकारी मिलने वाली है। देखिए, बात यहाँ पे होने वाली है कि जब आप किसी ट्रेन में टिकट सर्च करते हो, आप देखते हो कि टिकटें खत्म हो चुकी है, वेटिंग लिस्ट लग चुका है। ऐसे में आप लोग जाते हो किसी एजेंट के पास, एजेंट से पूछते हो कि क्या कोई टिकट है इस रूट में, तो वो आपको उसी गाड़ी में जहाँ वेटिंग लग गया है आपके लिए, आप देख रहे हो, लेकिन वो आपको कहता है कि मैं आपको इसमें कंफर्म टिकट दे दूंगा, 100% कंफर्म टिकट दे दूंगा, अभी काफ़ी दे दूंगा, या हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले वो आपसे, लेकिन इसके लिए आपको जो है एक्स्ट्रा मुझे पे करना होगा, और ये एक्स्ट्रा जो है कभी कभार टिकट से भी ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर वो आखिर कैसे ये टिकट्स बुक करते हैं, क्या इन टिकट से हमें यात्रा करनी चाहिए, और अगर आप एक एजेंट हो तो आपको ये भी जवाब मिलेगा कि क्या इस प्रोसेस से आप टिकट बुक कर सकते हो, इससे कोई कभी कोई यात्री को परेशानी नहीं होगी। तो जी हाँ दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको इस एपिसोड में मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि वो टिकट्स आपको देते कैसे जबकि टिकट खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पर थोड़ी सी मिली भगत वाली सीन है। आप जानते होंगे ट्रेन में कई सारे कोटे होते हैं, लाइक जनरल कोटा, तत्काल कोटा, लेडीज सीनियर सिटीजन, बहुत सारे कोटा होता है। तो यहाँ पे एक और कोटा है जिसका जिक्र IRCTC में नहीं किया गया है, जिसकी टिकटें IRCTC में बुक नहीं होती है। वो कोटा है VIP कोटा, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यानी कि जो मैं स्पेशली दो लोगों का नाम लूंगा, जो सांसद है या तो फिर जो मंत्री है, उनके लिए कुछ सीटों को बचा के रखा जाता है, जबकि वो अक्सर जो है ट्रेनों में सफ़र नहीं करते हैं, उनको जो है अपना पार्टी फंड देती है या तो फिर वो जो है सरकारी खजाने से पैसे निकाल के वो जो है फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं, तो उनकी सीटें बच जाती है। तो इन टिकटों को भारतीय रेल क्या करती है, बाद में जो वेटिंग वाले पैसेंजर से उनको दे देती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा सेटिंग रहता है, जो एजेंट्स होते हैं उनके, और ये टिकट भी जो बुकिंग होती है भारतीय रेल के काउंटर पर बुक होती है, तो वो जो काउंटर में जो ऑफिसर है उनसे इनकी सेटिंग रहती है। वो क्या करते हैं कि लेटर हेड बनाते हैं, यानी कि आपको वो VIP दिखा के आपके नाम का टिकट बुक कर देते हैं, जो कि कंप्लीटली इलीगल है। वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट लेता है कुछ वो रखता है, कुछ उस ऑफिसर को देता है, देखिए आपका टिकट बन गया, टिकट बनने के बाद आप उसमें यात्रा करोगे। अब सवाल यहाँ पे ये है, क्या इन टिकट से हमें यात्रा करनी चाहिए? तो जी नहीं, जैसे कि मैंने कहा वो इलीगल वे है, तो इलीगल तरीके से आपके टिकट्स बन रहे हैं। तो इस पर पहले की अगर बात करें तो रेलवे शायद उतना सिस्टम जो स्ट्रांग नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है। अब अगर कोई आपको करके दे भी देता है तो आपको ट्रैवल नहीं करना, अगर आप करते हो तो आप फंसोगे। अब ऐसे में सवाल यहाँ पे ये आता है कि मुझे तो पता नहीं है उसने इलीगल वे में टिकट किया या कैसे किया, तो मैं कैसे करूँगा, मुझे कैसे पता चलेगा? पता तो आप नहीं लगा सकते हो कि उसने आपका टिकट कैसे किया, लेकिन आपको एक और वे में यहाँ पे बताता हूँ कि आप ये पता लगा सकते हो कि कौन एजेंट आपके आसपास, आप जब जाते हो किसी एजेंट के पास, वो भारतीय रेल का सर्टिफाइड एजेंट है या नहीं, ये चीज़ आप पता लगा सकते हो। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि आप IRCTC की वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हो कि कौन आपके नज़दीक में कौन एजेंट है कौन नहीं है। अगर एजेंट है तो आप उनके पास जाओ, हो सकता है वो किसी पर्सनल आईडी से भी आपको टिकट बुक कर दे, हो सकता है वो किसी इलीगल वे में आपको टिकट बुक करके दे दे, लेकिन जो भी हो कल का आप ये कह सकते हो, आपके ऊपर अगर रेलवे का कोई एक्ट लग गया, आप पकड़े जाते हो, तो आप ये कह सकते हो कि मैंने इस एजेंट के पास मैं गया था, यहाँ पर मैंने, क्योंकि देखिए जो इलीगल वे में जो लोग करते हैं, जो पर्सनल आईडी से भी आपका टिकट बुक कर देते हैं, कुछ लोग खुद को एजेंट बता के, तो ऐसे में उनके पास कोई दुकान वगैरह नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, उनके पास उनका एक ऑफिस रहता है जो रजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि भारतीय रेल जब लाइसेंस देती है टिकट बुक करने की, या फिर एजेंटशिप जो लोग जिनको देती है उनको, उनसे कुछ रिक्वायरमेंट रहती है कि आपके पास दुकान होना चाहिए, इतना बड़ा आपका पैन नंबर होना चाहिए, GST नंबर वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ें जो है उनसे कलेक्ट किया जाता है, ताकि फ्यूचर में वो किसी यात्री के साथ कभी कोई परेशानी क्रिएट ना कर सके, यात्री को प्रॉब्लम में ना डाल सके। एजेंट्स को कैसे पहचानना है, उसके लिए आप आईकार्ड पर क्लिक करिए, उस वीडियो को देखिए, बाकी चीज़ों को समझ जाएंगे आप। और जो एजेंट्स हैं उनको कहना चाहूँगा कि हमेशा यात्री फंस जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप भी फंस सकते हो, तो इस तरह के गलत तरीके से टिकट्स ना निकालें। बाकी आप मुझे कॉमेंट करके ये बताएं कि भारतीय रेल से आपको कभी किसी तरह की कोई परेशानी हुई है यात्रा के दौरान, कमेंट में जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिले। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।